अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस लेसन नंबर 7 ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, हम अपने चैप्टर नंबर 1 के एंड की तरफ मूव कर रहे हैं। उम्मीद है इससे पहले जितने भी लेक्चर्स आपने अटेंड किए उन सब की आपको समझ आई होगी। तो मूव करते हैं लेसन नंबर 7 की तरफ, जहाँ से हमने अपना लेसन नंबर 6 एंड किया था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सेकंड लास्ट पॉइंट हमारे पास पब्लिक का है कि पब्लिक जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो डिमांड क्यों करती है। बेसिकली आपके पास जो पब्लिक होती है, पब्लिक आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इसीलिए एनालाइज करती है बिकॉज़ उनकी जो एम्प्लॉयमेंट का शेड्यूल है, आपके जो एम्प्लॉयमेंट है पब्लिक सेक्टर की, वो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ अटैच होती है। कैसे? आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग है, आप कंपेटिटिव एडवांटेज को अवेल करेंगे, आप अपनी ब्रांचेस ओपन करेंगे, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। तो जब आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगे, अपनी ब्रांचेस को ओपन करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पे न्यू स्टाफ भी हायर करेंगे, आप वहाँ पे एसेट्स को भी लेके आएंगे। आई एम सॉरी फॉर डिस्टॉर्शन। तो वहाँ पे एसेट्स को भी लेके आएंगे, आप वहाँ पे जो सप्लाइज़ हैं वो आप इंक्रीज़ करेंगे। अगर आपको 50 सप्लाइज पर डे आपको मिलती थी आपकी मेन ब्रांच पे, तब आपको इस ब्रांच न्यू ओपन करने के बाद आपको मे बी 70 या 80 सप्लाइज पर डे मंगवानी पड़े। तो इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक इशू है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आप न्यू स्टाफ हायर करते हैं, आप न्यू पीपल्स को रिक्रूट करते हैं, उसके बाद आप वो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद जब आप अपनी सप्लाई इंक्रीज़ करते हैं तो बेसिकली उसका एडवांटेज भी आपके सप्लायर को जाता है। आप अपने एसेट्स की तादाद को बढ़ाते हैं तो उसका एडवांटेज भी आपके जो एसेट्स के जो डीलर हैं उनको जाता है। तो बेसिकली ये पब्लिक सेक्टर भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के साथ इनडायरेक्टली लिंक्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स एंड एडवाइज़र। जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये कौन लोग होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं। प्रॉपर्टी डीलर के पास आप जाएं, वो आपको एक से एक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। जनाब आप करना क्या चाहते हैं? बिजनेस करना चाहते हैं? आप वहाँ पे अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं? आप वहाँ पर अपनी दुकान बनाना चाहते हैं? आप अपना रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं? उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। वो आपको फिर बताते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कि आप अगर ये करना चाहते हैं तो फलां जगह पे आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं या रेंट पे ले सकते हैं, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, इतनी लोकेशंस हैं यहाँ पे, ये लोकेशन है, इसको ये बेनिफिट हासिल है, इस लोकेशन पे ये बेनिफिट है। बिल्कुल इस तरह से फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं। आप एज अ पर्सन वहाँ जाते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता सिवाय पैसों के। यू हैव मनी, यू हैव नो बिजनेस, नो जॉब। आप उनके पास जाते हैं, आप उनसे गाइडेंस लेते हैं, जनाब मेरे पास पैसे हैं, मैं इतने पैसे लगाना चाहता हूँ बिज़नेस पे, काइंडली मुझे गाइड करें कि मैं कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करूँ। वो आपको कंपनीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे जो कॉन्टैक्ट में है इतनी कंपनीज़ हैं, इनकी हिस्ट्रिकल परफॉर्मेंस ये है, इन्होंने फलां 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 जो है ईयर्स में इतना इतना प्रॉफिट अर्न किया है, और इसने पर शेयर होल्डर में इतना इतना डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये जो डिविडेंड होता है ये आप कहते हैं जो प्रॉफिट का हिसाब शेयर होल्डर में बांटते हैं उसको कहते हैं। बेसिकली हम अपने अगले लेक्चर्स में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपके जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स होते हैं ये आपके जो एडवाइज़र होते हैं, ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ ये गाइड करते हैं। जनाब आप इस वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ये बेनिफिट है, इसमें इन्वेस्टमेंट करें ये बेनिफिट है, इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो ये बेनिफिट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, दे नीड इन्फॉर्मेशन फॉर देयर क्लाइंट्स। ठीक है, अब ये जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं, अब इनको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? वो अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है ना, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं उनके पास जाता हूँ इन्वेस्टमेंट का मशवरा लेने के लिए कि जनाब मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ अपने पैसे, वो मुझे बताते हैं कि जनाब ये ABC कंपनी है,
आप इसने पिछले इतने सालों में इतना प्रॉफिट कमाया है, इतनी इन्वेस्टमेंट की है लोगों ने इसमें, तो इतना इसको प्रॉफिट मिला है, और जो ये एक्स वाई जेड कंपनी है इसने भी बहुत प्रॉफिट कमाया है, इसने डिविडेंड भी लार्ज अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिविडेंड के बाद इन्होंने रिज़र्व में भी एक प्रोपोर्शन रखा है प्रॉफिट का। सो ये इन्फॉर्मेशन जो इनके पास आई है प्रॉफिट की, रिज़र्व की, डिविडेंड की, ये कहाँ से आई है? कंसल्टेंट्स के पास। बेसिकली वो इसी तरफ से आई है कि आपकी जो कंपनीज हैं, आपके बिजनेस सेक्टर्स हैं, वो अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो ये लोग फिर आगे वो आप अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं इस इन्फॉर्मेशन का, वो वहाँ पे एविडेंस देते हैं कि जनाब आपको बिल्कुल सिक्योर इन्वेस्टमेंट का ये सोर्स है। तो बेसिकली इसका इनडायरेक्टली कंपनी को भी बेनिफिट है, और वो जो क्लाइंट है, जो कंसल्टेंट है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, उसका अपना एक प्रॉपर ये बिज़नेस है, करियर है उसका। सो बेसिकली उसको भी इन्फॉर्मेशन इस वजह से रिक्वायर होती है। तो था ये तो था हमारा स्टूडेंट्स के जो यूज़र होते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के, मेनली कौन कौन से यूज़र होते हैं, तो वो तो हमने अब डिस्कस कर ली, यहाँ तक ख़त्म। और भी होते हैं बट वो बहुत ज़्यादा डिटेल है, हम इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग रीड कर रहे हैं, सो मैं आपको इतना ही यहाँ तक ही बताऊँगा। बेसिकली आपकी बुक में भी इतने ही पॉइंट्स दिए गए हैं, सो बेहतर आप भी वही फॉलो करें। नेक्स्ट उन्होंने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है जिसमें उन्होंने ट्रू फॉल्स आपसे पूछे हैं। मैं एक दो उनमें से बता देता हूँ आपको, जो पिछली एक्सरसाइज है उनमें से भी मैंने एक दो करके आपको बताई हैं, और वो बाकी मैंने इसीलिए छोड़ी ताकि आप खुद उनको सॉल्व करें, क्योंकि जब आप कोई भी शख्स खुद किसी प्रॉब्लम को हैंडल करता है, उसको सॉल्व करता है, कोई सॉल्यूशन ढूंढता है, वो उसको सारी ज़िंदगी याद रहता है। अगर मैं आपको बता देता हूँ, आपने कहा अच्छा ये स्टेटमेंट है, अच्छा इसका ये जवाब है, चलो ठीक है, वो आपके 5-10 मिनट में आपके माइंड से निकल जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो स्टेटमेंट मैं छोड़ देता हूँ उसको आप खुद हैंडल किया करें, उसको खुद सोचा करें उस पर कि इसका क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ना आए आप मुझे कमेंट में आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं पहला स्टेटमेंट आपको मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ। डेब्ट बर्डन ऑफ द कंपनी इज द इंफॉर्मेशन मोस्टली रिक्वायर बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। क्या स्टेटमेंट है कि जनाब जो कर्ज़ों का बोझ है कंपनी पर, वो जो इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादातर डिमांड की जाती है, ज़्यादातर ये चाहिए इन्फॉर्मेशन किन को? इनकम टैक्स अथॉरिटी वालों को। क्या ये इन्फॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है? ये इन्फॉर्मेशन फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इनकम टैक्स वालों को नहीं चाहिए। इनकम टैक्स वालों को तो आपकी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी का डाटा चाहिए कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस पर इस पर आपको टैक्स देना है। उनके कर्ज़ों से तो उनका कोई लेना देना नहीं, टैक्स वालों का कर्ज़ों से लेना देना आपके बैंक अथॉरिटीज़ का काम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का उनका लिंक है उनसे, ठीक है। आपके जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनका इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपकी ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। आपकी क्योंकि यहाँ पे आपका जहाँ पे उन्होंने आंसर दिया हुआ वहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, दिस इंफॉर्मेशन रिक्वायर बाय इन्वेस्टर, कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपकी कंपनी में, ये वो लोग इस इंफॉर्मेशन की डिमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो श्योरिटी चाहते हैं कि जनाब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कहीं कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि अपने जो पे बैक है, अपने जो पे एबल्स हैं उनको जो है वो सेटिस्फाई कर सकें, अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकें। उसके बाद आपके पास आए थे लेंडर्स, जो मैंने आपको जो पिछले लेक्चर्स में आपको बताया कि जो आपको फाइनेंस देते हैं वो भी आपकी इस पेमेंट, आपका जो लोन पेमेंट आप रिसीव करते हैं उनसे, उसकी अदायगी की कंफर्मेशन लेते आया कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये आपको जो कर्जे हैं वो वापस कर सकें, ये चीज़ है। सेकंड हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि डिविडेंड डिक्लेरेशन इज द इंफॉर्मेशन नीडेड बाय शेयर होल्डर्स, ठीक है। डिविडेंड बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स के दरमियान, कंपनी के शेयर होल्डर्स के दरमियान। आपने अक्सर सुना होगा जनाब मैंने फलां कंपनी के 100 पता है कितने शेयर खरीद लिए, अच्छा जनाब वो फिर मैंने आगे बेच दिए, या फिर मैंने अभी अपने पास ही रखे अकाउंटिंग रिजल्ट आने तक। तो ये वो शेयर है, ठीक है। अब ये शेयर्स ख़रीदने के बाद जब कंपनी अपना अकाउंटिंग ईयर एंड कर लेती है, उसको जब प्रॉफिट मिल जाता है, तो वो प्रॉफिट का एक ख़ास प्रोपोर्शन होता है। आपने इतने परसेंट पेमेंट किया शेयर्स के अगेंस्ट,
आपको इतने परसेंट प्रॉफिट मिलेगा। अब वो जो प्रॉफिट आपको आपके साथ शेयर किया जा रहा है, प्रॉफिट का एक स्पेसिफिक पोर्शन वो डिविडेंड कहलाता है, ठीक है। तो वो कह रहा है जो डिविडेंड डिक्लेरेशन है, जी के ये जो आपका डिविडेंड का डिक्लेयर किया गया है, इसकी इन्फॉर्मेशन कि कितना कितना डिविडेंड आपके हर शेयर होल्डर को आएगा, उसकी डिक्लेरेशन, उसकी जो डिटेल है, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि एक शेयर होल्डर्स की ज़रूरत है। तो क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल सही बात कर रहा है कि जो डिविडेंड है वो तो होता ही बेसिकली शेयर होल्डर्स के दरमियान है, इसीलिए वो डिक्लेरेशन भी शेयर होल्डर्स में ही होगी, ठीक है। ये थी आपकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं कुछ अजम्पशंस की तरफ। आप अजम्पशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। तो उसमें आपकी जो कुछ सिचुएशन आती हैं, जो रिस्ट्रिक्शन करती हैं, जो रेजिस्टेंस लेकर आती हैं, उनको कैसे टैकल करना है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे रीड करके सुनाता हूँ। अजम्पशन डेट अ बिजनेस यूनिट विल रिमेन इन एग्जिस्टेंस फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर। अजम्पशन क्या है कि बिजनेस यूनिट जो हमने इस्टेब्लिश किया है वो फॉरसीएबल फ्यूचर, यानी कि बहुत आगे तक, बहुत सालों तक आपने चलाना है, फ्यूचर में कई साल तक, बहुत दूर तक आप देख रहे हैं कि जनाब ये हमने आज 2021 में बिज़नेस इस्टेब्लिश किया तो 2060-70 तक हमने तो इसको लाजमी चलाना है, बल्कि इससे ज़्यादा तक हमने चलाना है। तो ये क्या है? आपकी एक अजम्पशन है, ठीक है। दी IFRS, ये IFRS क्या होता है ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। दी IFRS कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इसका एक जो फ्रेमवर्क है, जो एक मैट्रिक्स वर्क है, वो क्या है? स्टेट्स वो स्टेट करता है डैट द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज एन अंडरलाइन, इट इज़ अज्यूम डैट एंटिटी विल रियलाइज इट्स एसेट्स एंड सेटल इट्स ऑब्लिगेशंस, यानी कि लाइबिलिटीज़ इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि असूलन अगर तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए है बेसिकली। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ इसका मतलब है एक साल से ज़्यादा की बात। लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है, इसका मतलब 360 दिन से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, 365 दिन से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका मोर देन वन ईयर, उसको अकाउंटिंग सेंस में लॉन्ग टर्म कहा जाता है। शॉर्टर देन वन ईयर, जिसमें आपके मंथली आ जाते हैं 3 माह 4 माह 6 माह 7 माह 10 माह, ठीक है, जो एक साल से कम का दौरानिया उसको शॉर्ट टर्म कहते हैं, जो एक साल से ज़्यादा का दौरानिया वो लॉन्ग टर्म कहलाता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर एंटिटी आप अजम्पशन कर रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म बेस पे अपनी एंटिटी को रन करना चाहते हैं, देन डैट एंटिटी विल रियलाइज इट्स एसेट, अपने एसेट्स जो उसके हैं उसको रियलाइज करेगी एंड सैटेलाइट्स ऑब्लिगेशन। अच्छा, अब यहाँ पे वो रियलाइज़ क्या कर रहे हैं, एसेट को रियलाइज़ करने का क्या मतलब है? एसेट को रियलाइज़ करने का मतलब ये है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो लीज़ पर एसेट को लेकर आती हैं और ऑपरेट करती हैं, ठीक है। लीज़ पर लाने का मतलब ये है कि वो एसेट बेसिकली किसी और कंपनी के होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं ज़्यादातर, आप उसको उस एसेट को अपनी कंपनी में लेके आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, जनाब हम ये इतने सालों के लिए लीज़ पर ले रहे हैं मशीनरी, सो हम इसके अगेंस्ट आपको पर मंथ या पर ईयर इतनी पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो यानी कि किराए पे चीज़ लेके आके चलाने वाली बात है, ठीक है, उसको कह रहे हैं आप फाइनलाइज़ करेंगे। अच्छा, इसको रियलाइज़ करने का मतलब ये है कि लीज़ की दो तरह की कैटेगरीज़ होती हैं, एक तो वो लीज़ होती है जो फाइनेंस होती है, एक होती है ऑपरेटिंग लीज़। ये आपकी आई थिंक आपके कोर्स में तो शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि उसका थोड़ा सा टच आया तो मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ। फाइनेंस लीज वो होती है जो आप बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी पार्टी से जिसका वो रियली में एसेट होता है, ठीक है, उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम इतने सालों के लिए लेके जा रहे हैं, हम आपको उसकी सालाना पेमेंट करते रहेंगे किस्तों में, ठीक है। 10 करोड़ की मशीनरी है, हम आपको 50 लाख 3 माह बाद, हर 3 माह बाद 50 लाख दिया करेंगे, और ये ऐसी अमाउंट होती है, ये 50 लाख मैंने वैसे एस्टीमेट आपको बताया एग्जांपल के हद तक, ये जो अमाउंट यहाँ पे फिक्स की जाती है कि आप कितने अर्से बाद कितनी अमाउंट देंगे, वो दोनों पार्टीज़ की एक मुतफिका अमाउंट होती है, दोनों पार्टीज़ उससे एग्री कर रही होती है, ठीक है।
तो जब वो समझे, मैंने 50 लाख की बात की थी, कई साल गुजरने के बाद जब वो जो 10 करोड़ की मशीनरी थी, 50-50 लाख करके वो 10 करोड़ पूरा हो गया। अब वो जो मशीनरी है वो जिसने लीज़ पर ली थी, जिस कंपनी ने, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके जिसने ली थी, वो अब पक्की पक्की उसकी हो जाएगी, ठीक है ना। उस मशीन जो वो मशीन है वो उस कंपनी के नाम हो जाएगी जिस कंपनी ने वो लीज़ पर ली थी, ठीक है। और वो जिसके थ्रू उसने ली थी या जिस से ली थी उसने, उसका वहाँ पे कोई अमल दखल नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। अब ऑपरेटिंग लीज़ है, उसमें क्या होता है, उसमें भी यही होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप किसी थर्ड पार्टी से लेके आते हैं मशीनरी और बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम इतने सालों के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको हम इतनी पेमेंट आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कर दिया करेंगे, वो होता है ऑपरेटिंग लीज़। इसमें क्या होता है, आप पेमेंट भी कर रहे हैं, आपका दौरानिया वक्त का जो है वो भी फिक्स है, 3 साल सपोज करें आपने किया था, 3 साल आपने जब पूरे कर लिए, पेमेंट होगी पूरी, अब वो जनाब आपने जो एसेट था वो चाहे जितने का भी था, अब आपने वो उसी आदमी को वापस कर देना है जिससे आप लेकर आए थे, ठीक है ना। अब वो एसेट आपका नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो लीज़ की एक सेकंड कैटेगरी है, ठीक है। अगर आपका हो जाए वो फाइनेंस लीज़ के अंदर आता है, आपका ना हो वो ऑपरेटिंग लीज़ के अंदर आता है। तो बेसिकली रियलाइजेशन का यही मतलब है, जो लीज़ पे आपने एसेट लिए होंगे वो आपके अपने हो जाएं, ठीक है। इसके बाद आ रहा है सेटल इट्स ऑब्लिगेशन। सेटल इट्स ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि आपने जो बैंक से लोन लिए हुए हैं आप उसको सेटल करें, वो पे करें, आप पे उसका बर्डन ना हो। ऐसा ना हो कि जनाब आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो बर्डन आप पे इतना ज़्यादा लोन का, कर्ज़ों का, वो सारा जो प्रॉफिट है वो सारा कर्ज उतारने में लग जाता है, आपका बिज़नेस तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, आपका बिज़नेस तो प्रोग्रेस नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो अगर आपका बिज़नेस प्रोग्रेस आप चाहते हैं कि करे, तो आपका जो लाइबिलिटी है वो सेटल होनी चाहिए, आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा होना चाहिए, आपके एसेट फाइनलाइज होने चाहिए, तभी आपकी जो जो बिज़नेस सेक्टर की लाइफ है वो प्रोलॉन्ग हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं एग्जांपल के तौर पे, जिन्हें हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग लॉसेस बीइंग इनकर्ड। सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग लॉसेस बीइंग इनकर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, कि जनाब कई सालों से हमारा जो ट्रेडिंग का बिजनेस है उसमें लॉस हो रहा है। अब इसमें अजम्पशन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी इज एसेंशियल फॉर इट्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, कि अब आपका ट्रेडिंग का जो बिज़नेस है वो लॉस में जा रहा है कई सालों से। अब आपने जो अजम्पशन बनाई थी कि ये कई सालों तक हमने बिज़नेस चलाना है, ठीक है ना, अभी वो पीरियड पूरा नहीं हुआ, आपका बिज़नेस लॉस में जा रहा है, नीचे की तरफ ही जाई जा रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये वाकई हमने जहाँ पे टारगेट रखा था वहाँ पर पहुँचे, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा आपका बिज़नेस प्रोग्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये थी आपकी पहली अजम्पशन। मज़ीद अजम्पशंस को हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई सवाल आता है तो वो आप ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको उस सवाल का जवाब दिया जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब क्यों नहीं किया अभी तक आपने, 7वां लेसन हो गया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड दोस्तों से इसको शेयर कीजिए। आपको मैंने ईमेल लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप इंटरपर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप वो ईमेल लिंक पर भी दे सकते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।